हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है पीछे दो वीडियो जो आपने जो देखा है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में आपको अच्छा लग रहा है। आज थर्ड पार्ट और आखिरी पार्ट के हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इन तीन ये जो लास्ट पार्ट है इसमें मैं तीन चीजों पर बात करूंगा। पहला है द पेनिनसुलर प्लेटियो, दूसरा है कोस्टल रीजन के बारे में, द कोस्टल प्लेन्स के बारे में, और थर्ड और आखिरी है द आइलैंड्स के बारे में, ठीक है? तो आइए बात करते हैं हम लोग पहला द पेनिनसुलर प्लेटियो के बारे में, ठीक है? तो वो पेनिनसुलर प्लेट्यू है क्या चीज? प्लेट्यू क्या है? पहला क्वेश्चन ये कि प्लेट्यू है क्या चीज? तो प्लेट्यू जो है बेसिकली एक तरह का हाई लेवल लैंड है, एक तरह का प्लेन से ऊंचा होता है और माउंटेन से छोटा होता है। ये एक तरह का हाई लेवल लैंड है जिसकी हाइट माउंटेन से छोटी होती है, जिसका जो अपर सरफेस होता है ऊपर का लेयर वो फ्लैट होता है, इसलिए कभी कभी इसको हाई टेबल लैंड भी कहते हैं। क्या होता है? टेबल लैंड, ठीक है? पेनिनसुलर क्या होता है? पेनिनसुला क्या होता है? द एरिया विच इज सराउंडेड बाय फ्रॉम थ्री साइड्स वाटर एंड वन साइड फ्रॉम द मेन लैंड्स। तो इंडिया जो है वो एक तरह का पेनिनसुलर प्लेट्यू भी कहा जाता है, क्योंकि आप इंडिया के आप मैप को ढंग से देखें तो इंडिया का जो जो ईस्टर्न पार्ट है नीचे से और वेस्टर्न पार्ट और जो सदर्न पार्ट है वो बेसिकली ओशन से घिरे हुए हैं। मतलब एक साइड वेस्ट साइड में अरेबियन सी, सदर्न पार्ट में अंडमान निकोबार, सॉरी सदर्न पार्ट में इंडियन ओशन जिसको हिंद महासागर कहते हैं, और ईस्टर्न पार्ट में बे ऑफ बंगाल है, ठीक है? तो इंडिया का जो बाउंड्री है कोस्टल बाउंड्री बहुत लंबी है। इसके साथ साथ बात करें तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि ये इंडिया ये जो बेसिकली ये जो रीजन है वो साउथ में है। मतलब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन जो है उसके साउथवार्ड यानी कि नीचे की तरफ ये पेनिनसुलर प्लेट्यू पड़ता है, ठीक है? और आगे मतलब उसे अब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको नॉर्थ वेस्ट में आपको अरावली रेंज पड़ेगा। ये भी एक तरह का आपको प्लेट्यू है, ठीक है? या हिल्स कह सकते हैं, अरावली हिल्स भी कह सकते हैं। तो ये आपका राजस्थान के साइड में पूरा ये पूरा है, ये मतलब ये नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है? इसके साथ साथ अगर बात करें यहाँ पे हम तो यहाँ पे कुछ माउंटेन के मतलब रेंजेस भी हैं, ठीक है? जैसे विंध्या और सतपुड़ा यहाँ पे माउंटेन है, विंध्या और सतपुड़ा यहाँ पे है जो इसको डिवाइड करता है, इस रीजन को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है? विंध्या और सतपुड़ा। अब इसके साथ आगे बढ़े तो विंध्या सतपुड़ा जब दो पार्ट डिवाइड करता है तो एक पार्ट जो है बेसिकली वो सेंट्रल हाईलैंड है, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है सतपुड़ा जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स है, और दूसरा पार्ट जो है वो सेंट्रल हाईलैंड्स और एक है आपका प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, सॉरी सतपुड़ा और डेक्कन प्लेट्यू। अब जब डेक्कन प्लेट्यू के बारे में बात करेंगे तो डेक्कन प्लेट्यू जो है बेसिकली ये सतपुड़ा से साउथ में है, सतपुड़ा जो है उसके साउथ में है, और डेक्कन प्लेट्यू जो है बेसिकली आगे आके दो पार्ट से डिवाइड होता है। डेक्कन प्लेट्यू दो पार्ट से डिवाइड होता है, एक होता है ईस्टर्न और एक होता है वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। अगर हम बात करें यहाँ की फॉरेस्ट की तो यहाँ पे बेसिकली जो फॉरेस्ट है वो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ की हॉट और थोड़ी सी ह्यूमिड क्लाइमेट है तो यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह भी ज्यादा है, यहाँ पे बारिश भी अच्छी खासी होती है। तो यहाँ पे टीक, साल, सैंडलवुड यहाँ के मेन फॉरेस्ट या बैम्बू भी होता है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे बहुत सारे कोल्स के डिपॉजिट्स हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे आयरन के डिपॉजिट्स भी है, यहाँ पे कोल माइनिंग और आयरन का माइनिंग भी होता है, ठीक है? इसके साथ साथ हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू का, तो डेक्कन प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है? एक है आपका वेस्टर्न घाट, एक है आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है? अगर बात करें यहाँ की लाइफ की तो यहाँ की जो लाइफ है वो बेसिकली यहाँ पे चूंकि वाटर की बहुत शॉर्टेज है, यहाँ पे पानी की थोड़ी शॉर्टेज है, यहाँ पे फार्मिंग जो है थोड़ी सी कहीं कहीं दिक्कत होता है। यहाँ की जो मतलब यहाँ की चूंकि ये एक तरह से प्लेट्यू ही है इसीलिए यहाँ की जो रॉक्स है, यहाँ की जो सॉइल है ये थोड़ी सी रॉकी होती है, तो यहाँ पे थोड़ी सी फार्मिंग करनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, ठीक है? मतलब नॉर्मल जो फार्मिंग प्लेस में होता है जैसे राइस, मेज, बार्ले, व्हीट, इन चीजों की फार्मिंग नहीं होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे फार्मिंग जो होती है बेसिकली कॉटन फार्मिंग होती है, ठीक है? कॉटन फार्मिंग होती है और यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है ना, कोल की माइनिंग, आयरन की माइनिंग होती है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कुछ रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, वहां पे डैम्स बने हुए हैं, इन डैम्स का इस्तेमाल वहां पे वाटर प्रोवाइड करने के लिए फार्म्स में और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में किया जाता है, ठीक है? इसके साथ साथ बात करें हम लोग वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बारे में, तो जो ईस्टर्न घाट है वो बेसिकली थोड़ा सा ज्यादा फर्टाइल है, ईस्टर्न घाट थोड़ा सा ज्यादा फर्टाइल है वेस्टर्न घाट से, और थोड़ा सा ब्रॉडर भी है, ईस्टर्न घाट थोड़ी सी
ब्रॉडर मतलब थोड़ा एरिया वाइज ब्रेथ वाइज ज्यादा है। इसके साथ साथ यहाँ पे चूंकि ये इसलिए ज्यादा फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स है वो बहुत अच्छा मतलब बहुत सारे रिवर्स यहाँ बहते हैं जैसे कृष्णा कावेरी गोदावरी ये रिवर्स जो है बहती है अपने साथ सिल्ट्स और एल्युवियम को कैरी करती है। इस कारण इस रीजन में फार्मिंग कंपेरेटिवली वेस्टर्न घाट से अच्छा होता है। ठीक है इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ जो वेस्टर्न घाट है थोड़ा सा लेस फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पे ऐसे कुछ रिवर्स है नहीं। ठीक है इसके साथ साथ बात करें तो यहाँ पे जो मेन जो सिटीज है जो यहाँ पे है वो है वेस्टर्न घाट में सॉरी ईस्टर्न घाट में है विशाखापत्तनम। ठीक है चेन्नई ये आप ईस्टर्न घाट में है। वेस्टर्न घाट में जाएंगे तो आप कांडला मुंबई और इसके साथ साथ कोचीन ये सब यहाँ पे पड़ता है। ठीक है इसके साथ साथ हम आगे बढ़े ये टॉपिक यहीं पर एंड होता है। और एक टॉपिक बता दूं आपको जो वेस्टर्न घाट है वो अरेबियन सी के साइड में पड़ता है अरेबियन सी इसके साथ में लगता है और जो ईस्टर्न घाट है वहां पे बे ऑफ बंगाल यहाँ पे लगता है। अब बात करें आइलैंड्स की तो आइलैंड जो है इंडिया में वो देखा जाए तो दो ग्रुप ऑफ मेन आइलैंड्स है दो आइलैंड्स है एक है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है एक है लक्षद्वीप आइलैंड एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है ये जो आइलैंड्स है ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है यहाँ पे एक ही आइलैंड्स नहीं है बल्कि बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है। इनका नाम है अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सेपरेट है और अंडमान और निकोबार अलग है। अगर बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप जो है ये एक तरह का कोरल आइलैंड है। ये कोरल इसका जो ओरिजिन है वो कोरल से हुआ है कोरल रीफ आपने सुना होगा कोरल वगैरह जो होता है पत्थर का एक तरह का टाइप्स है। और अगर बात करें हम लोग अंडमान का अंडमान निकोबार के आइलैंड्स का तो ये एक तरह का वोल्केनिक इरप्शन से हुआ है मतलब जब समुद्र के नीचे जो वोल्केनो है जब वो बर्स्ट करता है तो उसके जो वोल्टेन मैग्मा होता है जब वो ऊपर की तरफ आता है तो जब वो ठंडा होके जमता है तो एक तरह का ये एक आइलैंड्स ऊपर ओशन के बीच में फॉर्म होता है। तो ये क्या है वोल्केनिक आइलैंड्स है। ठीक है इसके साथ साथ बात करें तो लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी में है और जो जो अंडमान जो निकोबार है वो बेसिकली बे ऑफ बंगाल में है। ये अंडमान निकोबार जो है बेसिकली 572 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है यहाँ पे 572 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स है जिसमें से सिर्फ 37 आइलैंड्स पे मतलब लोग रहते हैं। ठीक है अब बात करें हम लोग लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप पे सिर्फ और सिर्फ 36 ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 21 पे मतलब लोग रहते हैं बाकी पे चूंकि फॉरेस्ट है और एक तरह का बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह का समझ लो कि इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा प्रिजर्व्ड एरिया है इसलिए वहां पे लोग का जाना सख्त मना है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके साथ साथ यहाँ की एग्रीकल्चर की बात करें तो अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पे राइस यहाँ चूंकि थोड़ी बहुत फार्मिंग होती है तो यहाँ पर राइस कोकोनट एक बीटल होता है जो कि एक तरह का एक्रोनॉट्स होता है या एक्रेनट्स होता है और कुछ फ्रूट्स और स्पाइसेस भी यहाँ पे ग्रो होती है। अगर बात करें लक्षद्वीप की तो लक्षद्वीप में कोकोनट और क्वाइड्स होता है क्वाइड्स से बना हुआ सामानों को बेचा जाता है। अब बोले क्वाइड क्या है क्वाइड इज ए काइंड ऑफ हस्क विच इज डेरिव्ड फ्रॉम द कोकोनट्स। ठीक है तो कोकोनट से बेसिकली क्वाइड बनता है इससे इसका इस्तेमाल किया जाता है बाकी चीजों को बनाने के लिए। यहाँ पे साथ साथ यहाँ पे क्राफ्ट्समैन का काम होता है लोग कुछ कुछ चीजों को बनाते हैं यहाँ की मेन जो ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है। ठीक है तो ये चीजों को ध्यान रखिएगा और ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है आप मुझे बताइए टॉपिक सजेस्ट कीजिए। आने वाले टाइम में मैं कुछ पॉइंट्स मैंने कुछ सोचा है कि मैं अब आने वाले टाइम में कुछ और भी आपको इस तरह की नॉलेज को शेयर करने वाला हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।